हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलरुबा। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभियों और आलू से क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े, जिसे आप शाम के चाय के साथ या फिर चटनी सॉस के साथ में खा सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और साथ में क्रिस्पी भी। तो चलिए बिना देरी के हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पत्ता गोभी और आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 केजी पत्ता गोभी, और इसके जो हम पत्ते हैं ना उसे निकाल देंगे। 1 से 2 पत्ते हम निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर के पत्ते जो है ना वो ख़राब होते हैं, तो उसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 केजी पत्ता गोभी लिया है, लेकिन इतना हम यूज़ नहीं करेंगे, आधा पत्ता गोभी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 2 हिस्सों में काट लेते हैं और 1 हिस्सा हम पकौड़े में इस्तेमाल करेंगे। पत्ता गोभी जो है ना वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो मोटे वाले डंठल है इसे अभी हमें काट करके निकाल लेना है, उसके बाद इसे हमें चॉप करना है। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे चॉप कर रही हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं काट रही हूँ, इस तरह से मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है। और इस तरह से लंबे लंबे शेप में मैं इसे काट ले रही हूँ, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पत्ते गोभी को चॉप कर लिया है, मतलब आधा पत्ता गोभी को चॉप किया है, आधा मैंने रख दिया है। तो चलिए इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब ले लेंगे यहाँ पर एक बॉल, इसमें हम लेंगे बेसन। तो बेसन हम यहाँ पर 1.5 कप लेंगे, आप ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में ऐड करेंगे हल्दी 1/4 चम्मच, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम गरम मसाला। गरम मसाला भी मैंने 1/4 चम्मच लिया है, और चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच। चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलौंजी ऐड कर दिया है, और काली मिर्च को हम क्रश करके ऐड कर लेंगे 1/2 छोटी चम्मच। फ्रेश काली मिर्च को क्रश कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में सारा डाल देने से इसमें लम्स गुठलियाँ पड़ने लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका बैटर बना लेंगे। तो 1 कप पानी लिया था मैंने सारा पानी डाल दिया इसमें। टोटल मुझे इसमें 1 कप पानी लगा है 1.5 कप बेसन के लिए, और अच्छे से मिला देंगे। स्मूथ सा बैटर बना लेना है, जैसे नॉर्मल पकोड़े के लिए हम बैटर बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से लम्स गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, तो ये अच्छे से मिल गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में हरा धनिया लिया है बारीक काट करके, और प्याज को मैंने स्लाइसिस में काटा है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया है मैंने। तो यहाँ पे हरी मिर्च 3 से 4 में यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद होगा। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस में कटी हुई। यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। तो पत्ता गोभी को ना हम एक बार में सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम डाल करके पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी के सारे डालेंगे, क्योंकि एक बार में डाल देने से इसे मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिला लेंगे, ताकि इसे आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिल गई है। अब ये हम बाकी के सारे पत्ते गोभी को ऐड कर देंगे। तो पत्ता गोभी को इस तरह से लंबाई में मैंने काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, इस तरह से इसमें लच्छे आएंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे आलू भी ले लिया है, आलू को भी मैंने थोड़ा लंबा शेप में काटा है, पतला ही काटा है लेकिन थोड़ा लंबा में। और यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दूंगी। तो 1 बड़े साइज़ के आलू को मैंने काट लिया था, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पत्ता गोभी और आलू के जो पकौड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है। तो बिना रेस्ट पे रखे हुए हम तुरंत इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म है, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई के बीच में रखा है, और इसे हम फ्राई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बैटर को हम ऑयल में गिराते जाएंगे, उंगलियों को बचाते हुए। अगर आप फर्स्ट बार पकौड़े बना रहे हो, तो आप यहाँ पर चम्मच से भी डाल सकते हैं, और इसे अलट पलट करके एकदम क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो इसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पत्ता गोभी का है ना, तो गैस का फ्लेम यहाँ तो मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे, और लास्ट के कुछ सेकेंड्स हम इसे एकदम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और इस पकोड़े को फ्राई करने में आपको 6 से 7 मिनट का समय लगेगा, और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं ये पकौड़े, तो आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से बाकी सभी पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। बस पकोड़े फ्राई करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ऑयल जो है वो प्रॉपर गर्म होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे बैटर को डालना है उंगलियों को बचाते हुए, और अलट पलट करके इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। और फ्राई करके निकालने से पहले ना कुछ सेकंड्स के लिए गैस का फ्लेम जो है वो हाई में कर दीजिएगा, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया पकौड़े के साथ में खाने के लिए। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी फ्राई किया, इसे भी हम ऊपर से रख देंगे। तो यहाँ पर अपने मनपसंद चटनी या फिर केचप के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। आज मैं
आपको इसे सर्व करने का तरीका बता रही हूँ कि आप जब भी किसी को सर्व करें ना तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पकोड़ा एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटो केचप। तो यहाँ पे मैंने टमाटो केचप ले लिया है, इसे हम डाल देंगे पूरे पकौड़े में। हमें डालना है इस तरह से, देखिए थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी चटनी। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी लिया है, इसे डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा काला नमक लिया है मैंने, इसे भी हम ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो बस सर्व करने से पहले आप ये प्रोसेस कर लीजिएगा, खाने वालों को तो मज़ा ही आ जाने वाला है। ऊपर से यहाँ पे फ्राई किए हुए हरी मिर्च भी डाल दें तो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्रेंड्स, एक बार आप इसे बना करके ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करते हैं आज की सुपर टेस्टी और आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।